झुंझुनू जिले में शीतकालीन अवकाश में निजी विद्यालयों द्वारा कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह सुबह मिली शिकायत के बाद डीईओ एलिमेंट्री मनोज झा का जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव उदावास पहुंचे, जहां पर टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक की कक्षा का संचालन मिला। ढाका खुद हर कक्षा में गए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वे रोज स्कूल आते हैं, तो पूरी की पूरी क्लास में बैठे बच्चों ने यस सर बोलकर इस बात की पुष्टि कर डाली कि जब से शीतकालीन अवकाश घोषित हुआ है तब से बच्चों को रेगुलर बुलाया जा रहा है। इस दौरान स्टाफ सदस्यों ने बच्चों को टोका तो डीओ ने उन्हें फटकार भी लगाई। यही नहीं, कक्षा में अध्यापकों ने भी बात को संभालने की कोशिश की तो डीओ ने भी उन्हें फटकार दिया। स्कूल का निरीक्षण करने के बाद डीईओ ने अपनी मौजूदगी में ही पूरे स्कूल की छुट्टी करवाई। इस मौके पर डीईओ ढाका ने कहा कि सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शीतकालीन अवकाश में कोई भी स्कूल का संचालन नहीं होगा, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में भी विभागीय और अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना हुई है, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक स्कूल उदावास की शिकायत सुबह सुबह मिली कि वो इतनी भयंकर सर्दी में भी स्कूलें संचालन की जा रही हैं, तो शिकायत पे जांच पे मैं यहाँ व्यक्ति से पहुंचा तो स्कूल संचालित हो पाए गए, जिसमें एलकेजी यूकेजी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे क्लास में अध्ययनरत थे, जो राज्य सरकार के नियमों की उल्लंघन है और जिला स्तरीय अधिकारियों के आदेशों का भी उल्लंघन है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई। हाँ, स्कूल की छुट्टी करवा दी।